मेन प्रेजेंटिंग ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ब्रांड के लिए मॉडलिंग का ऑडिशन चल रहा होता है, जहां बहुत सारे लड़के ऑडिशन के लिए आते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम कार्ल है, वो भी इस ऑडिशन के लिए आया है। और यहां सारे मॉडल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। यहां सबको अपने अंदर की सैडनेस को छुपा के स्माइल करने को कहा जाता है और उसके साथ तरह तरह के फेस एक्सप्रेशन देने को कहा जाता है। कार्ल ऑडिशन रूम में जाता है और उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होता है। जजेस कार्ल की ऑडिशन से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते और उसे अपने दोनों आंखों के बीच में जो ट्रायंगल होता है उसके सैडनेस को रिलैक्स करने को कहा जाता है। कार्ल का ऑडिशन होता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कार्ल की गर्लफ्रेंड जिसका नाम याया है, जो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उसका रैंप मॉडलिंग चल रहा है और कार्ल को सामने सीट ना मिलने की वजह से वो पीछे बैठ के देख रहा है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कार्ल और याया दोनों एक 5-star होटल में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद कार्ल याया को बिल पे करने को कहता है। तभी दोनों में बहस हो जाती है। याया वहाँ से उठ के जाने लगती है, तभी कार्ल उसे रोकता है और बैठने को कहता है। याया उससे कहती है, तुम पैसों के लिए इतने मोहताज क्यों हो? कार्ल कहता है, मैं पैसों के लिए मोहताज नहीं हूँ, बस मुझे अभी भी काम नहीं मिला, इसीलिए मैंने तुमको बिल पे करने को कहा था। वो दोनों वापस टेबल पे बैठ जाते हैं। इस बार याया बिल पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देती है और फिर थोड़ी देर बाद वेटर आके कहता है ये कार्ड नहीं चल रहा है। फिर आखिर में कार्ल को ही बिल पे करना पड़ता है। होटल से निकल के वो दोनों एक टैक्सी में बैठते हैं और वहाँ भी उन दोनों की बहस होने लगती है। अब कार्ल याया से कहता है, बिल सिर्फ लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी पे करना चाहिए, क्योंकि वो जेंडर में बिलीव नहीं करता, लड़का और लड़की दोनों इक्वल होते हैं। इस पे याया कहती है, मैं हर बार बिल पे करती हूँ। फिर याया टैक्सी से उतर जाती है और जब कार्ल टैक्सी से उतरने वाला होता है तभी टैक्सी का ड्राइवर कार्ल से कहता है, तुम्हें फाइट करनी चाहिए, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। फिर टैक्सी से उतरने के बाद कार्ल और याया दोनों एक क्रूज में जाते हैं। दरअसल याया जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, उसे इस क्रूज में ट्रेवल करने के लिए 2 इनविटेशन कार्ड मिले थे और ये क्रूज बहुत ही लग्जरी क्रूज होता है जिसमें बहुत सारे रिच लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि क्रूज के लिफ्ट के अंदर भी कार्ल और याया की बहस हो रही होती है। कार्ल याया को समझा रहा होता है, मुझे तुम्हारे लिए पे करना अच्छा लगता है लेकिन अभी मुझे थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है। तभी याया कहती है, क्या मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ? इस पे कार्ल याया से कहता है, तुमसे इस तरीके से बात करने के लिए सॉरी। फिर याया कहती है, तुम्हें ये शर्ट मैंने खरीद के दिया है, डिनर का बिल भी मैं ही पे करती हूँ और मेरे ही साथ होटल में तुम रह रहे हो और ये सब मैं तुम्हें जताती नहीं हूँ। कार्ल याया को सॉरी कहता है। फिर याया कहती है, कैश मशीन से पैसे निकाल के तुम्हें ला के देती हूँ, अभी शायद सोने के लिए भी तुम मुझसे पैसे मांगोगे। इस पे कार्ल कहता है, तो मुझे अब तुम्हारे 50 यूरोस लौटा देने चाहिए, राइट? याया कहती है, हाँ। अब कार्ल कहता है, जब मैंने देखा कि तुम्हारे पर्स में पैसे नहीं थे तब मैंने डिनर का बिल पे किया। अब याया कार्ल को उसके शर्ट के अंदर 50 यूरोस डाल देती है। इस पे कार्ल बहुत ही इंसल्ट फील करता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। फिर वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं पैसे के लिए ये सब नहीं करता, मैं तुम्हारे 50 यूरोस लौटा दूंगा, एक्चुअली मैं तुम्हें 100 यूरोस दूंगा। इसके बाद कार्ल वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। फिर कार्ल अपने रूम में अकेला होता है, तभी याया वहाँ पे आती है और वो कार्ल से अपने गलत बिहेवियर की वजह से सॉरी कहती है और उन दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है और थोड़ी देर बाद उस हेलीकॉप्टर से समुन्द्र में एक बक्सा फेंका जाता है। क्रूज के एम्प्लॉयज उस बक्से को उठा के लाते हैं, उसे क्रूज के किचन में लाया जाता है और उसमें कुछ खाने का सामान होता है। तभी हम यहाँ एक लेडी एम्प्लॉय को देख पाते हैं जिसका नाम पॉला है, जो क्रूज में सभी जूनियर एम्प्लॉयज की हेड होती है। वो अपने सभी जूनियर एम्प्लॉयज को ट्रेंड कर रही होती है। पॉला अपने जूनियर्स से कहती है, एक लग्जरी क्रूज में सक्सेसफुल होने के 2 मोमेंट्स होते हैं, फर्स्ट कस्टमर के आने का फर्स्ट आवर और सेकेंड क्रूज का लास्ट डे, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमें टिप्स मिलते हैं और इस बीच हमें बस दिन रात उनकी सेवा करनी होती है, उनकी सारी फरमाइशें पूरी करनी होती है, शिकायतें सुननी होती है, नखरे झेलने पड़ते हैं। मैं जानती हूँ ये बहुत कठिन काम है लेकिन फिर भी हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हम उन्हें किसी भी बात पे नो नहीं कह सकते, हमें हमेशा यस कहना है। उसके बाद हम देखते हैं कार्ल और याया अपने रूम में सोए हुए हैं। तभी वहाँ सुबह रूम क्लीन करने के लिए एक लेडी को दिखाया जाता है, इसका नाम एविगेल है। ये लेडी इस क्रूज में टॉयलेट मैनेजर है। एविगेल कार्ल और याया से रूम क्लीन करने के बारे में पूछती है लेकिन वो दोनों उसे बाद में आने को कहते हैं।
जाते हैं। फिर वो वहां से चली जाती है। इस बीच हम देखते हैं पॉला एक रूम के पास जाके क्रूज के कैप्टन को बुलाने लगती है। वो कैप्टन थॉमस से कहती है कि अभी सेफ्टी टूर का टाइम है, लेकिन कैप्टन थॉमस कहता है अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तभी पॉला वहां से चली जाती है। दरअसल कैप्टन उस रूम के अंदर शराब पी रहा था। वो जहाज को ऑटो पायलट पे रख के शराब पीने में बिजी था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्रूज में पैसेंजर्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। या इंस्टाग्राम पे अपना फोटो पोस्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट करते हुए कुछ पोस्ट देती है और कार्ल उसका फोटो ले रहा होता है। तभी उस टेबल पे एक रशियन ओल्ड कपल से उन दोनों की मुलाकात होती है। इनका नाम डिमिट्री और वेरा है। कार्ल उन दोनों से कहता है या एक इन्फ्लुएंसर है और वो इंस्टाग्राम पे अपना फोटो पोस्ट करने के लिए फोटोस ले रही है। तभी वो दोनों ओल्ड कपल बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और कार्ल ये भी कहता है कि इस क्रूज पे आने के लिए याया को उन दोनों के लिए इन्विटेशन कार्ड मिला था। फिर कार्ल उस रशियन आदमी से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। वो रशियन आदमी उससे कहता है उसका फर्टिलाइजर का बिजनेस है। दरअसल ये एक बहुत ही रिच आदमी है और ये आदमी अपने रिच होने का शो ऑफ भी करता है। और वही पे हम एक और ओल्ड कपल को भी देखते हैं जो लोग व्हीलचेयर पे बैठी हुई एक जर्मन लेडी से अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ओल्ड कपल विंस्टन और क्लेमेंटीन है जो उस जर्मन लेडी को अपना नाम बताते हैं। लेकिन ये जर्मन लेडी ठीक तरीके से बात नहीं कर पाती है। उसका हस्बैंड आके कहता है मेरी वाइफ को एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पाती। विंस्टन भी एक बिजनेसमैन है और ये हैंड ग्रेनेड का बिजनेस करता है। फिर अगले सीन में हम एक और रिच आदमी को देखते हैं जो क्रूज में जहाँ पार्टी चल रही है वहाँ एक जगह पे बैठ के उस क्रूज में काम करने वाली लड़कियों को देख रहा है। इसका नाम जोरमा है। दरअसल ये आदमी एक रंगीन मिजाज का इंसान है और ये इस वक्त यहाँ अपने रूम में बुलाने के लिए एक कॉल गर्ल ढूंढ रहा है। और वो रशियन आदमी डिमिट्री और कार्ल इस बात पे उस आदमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो रिच आदमी याया और डिमिट्री के गर्लफ्रेंड के पास जाके बैठता है। वो याया से अपने मोबाइल पे उसका एक फोटो खींचने को कहता है। फिर वो याया और उस लड़की के सामने रिच होने का शो ऑफ कर रहा होता है। तभी हम पॉला को देखते हैं जो फिर से उसी रूम नंबर 43 के पास जाके कैप्टन थॉमस से कहती है कि डिनर का वक्त हो गया है और अब उसे यूनिफॉर्म पहन के आ जाना चाहिए क्योंकि क्रूज में गेस्ट्स का ये पहला दिन है और डिनर के टाइम पे कैप्टन को वहां होना चाहिए। लेकिन थॉमस इस बार भी बाहर आने से मना कर देता है। फिर पॉला वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं याया उस रिच आदमी को अपने साथ डांस करने के लिए अप्रोच करती है और पार्टी के बाद कार्ल और याया दोनों अपने रूम में आके इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कार्ल फिर से अपने मोबाइल से याया का फोटो ले रहा होता है और वही पे डिमिट्री की वाइफ वेरा स्विमिंग पूल में नहाते हुए क्रूज की एक एम्प्लॉय को पूल में उतरने को कहती है। लेकिन वो लड़की ड्यूटी के टाइम पे पूल में उतरने से मना कर देती है। फिर वेरा उससे कहती है हमें जिंदगी के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। लेकिन फिर भी वो लड़की पूल में नहीं उतरना चाहती और वो वहां से जाने लगती है। फिर वेरा कहती है वो क्रूज के सारे एम्प्लॉयज को स्विमिंग करवाएगी और तभी उस लड़की को पूल में उतरना पड़ता है। इस बीच हम देखते हैं पॉला को कैप्टन डेरियस को बुलाने जाती है। वो डेरियस से थॉमस को बाहर बुला के लाने को कहती है। वो कहती है गेस्ट का डिनर का टाइम हो गया है और कुक डिनर की तैयारी भी कर रहा है और थॉमस अभी भी बाहर नहीं निकल रहा है, जाके उसे बाहर बुलाओ। फिर हम देखते हैं पॉला थॉमस को फिर से बुलाने जाती है। वो थॉमस को बुला के वापस आने लगती है। तभी वहां से एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ अपने रूम में जा रही थी और वो लेडी पॉला को बुला के उससे कहती है मुझे एक सवाल है, कल मैं अपने रूम से धूप ले रही थी तभी मैंने वहां पे सेल्स देखे और वो बहुत गंदे थे। इस पे पॉला उस लेडी की बातों को इग्नोर कर देती है। दरअसल इस लेडी को एक दिमागी प्रॉब्लम होती है और वो बार बार यही बात कहती है। फिर आगे दिखाया जाता है किचन में डिनर की तैयारी हो रही होती है। तभी कुक को पॉला का कॉल आता है और पॉला क्रूज के सारे एम्प्लॉयज को उस रशियन लेडी वेरा के कहने पर समुन्दर में उतर के स्विमिंग करने का इंस्ट्रक्शन देती है। फिर कुक सबको तुरंत स्विमिंग के लिए जाने को कहता है और सारे एम्प्लॉयज तभी गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए समुन्दर में स्विमिंग करने लगते हैं। तभी यहाँ डेरियस थॉमस को बुलाने आता है। अब थॉमस बाहर आता है। डेरियस उसे गेस्ट्स के साथ डिनर पे चलने को कहता है। दरअसल कैप्टन को फर्स्ट डे गेस्ट्स के साथ डिनर करना होता है और इसीलिए थॉमस को बुलाया जा रहा है। डेरियस थॉमस को अपना यूनिफॉर्म पहन के आने को कहता है। अब आगे हम देख पाते हैं कि क्रूज में गेस्ट लोगों का डिनर शुरू हो रहा होता है। सारे गेस्ट डिनर के लिए आ चुके होते हैं। तभी वो लेडी जिसको दिमाग की प्रॉब्लम है वो कैप्टन थॉमस से फिर से वही बात कहती है और थॉमस भी उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं
हैं क्रूज में डिनर करते समय अचानक सी सिकनेस की वजह से बहुत सारे गेस्ट की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें वॉमिट होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो रशियन आदमी डिमिट्री कैप्टन थॉमस के पास आके बैठता है। फिर ये दोनों एक साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं और सोशलिज्म पे बातें करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों ताश खेलना भी शुरू कर देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद डिमिट्री माइक पे अनाउंस करके सारे पैसेंजर्स को डराने लगता है। वो कहता है ये क्रूज डूबने वाला है। अब ये सुन के सारे पैसेंजर्स बहुत ही डर जाते हैं, वो सब अपना लाइफ जैकेट पहन के बैठ जाते हैं। फिर थॉमस बाहर से और भी शराब की बॉटल्स लेके आता है और फिर वो भी पैसेंजर्स को उल्टी सीधी बातें करके डराने लगता है। ठीक उसी वक्त टॉयलेट से बहुत सारा गंदा पानी निकल के क्रूज के दूसरे कमरों में भी फैलने लगता है। फिर वहाँ पॉला और डेरियस क्रूज के पावर रूम में जाके कैप्टन के रूम के बिजली का वायर काटने जाते हैं ताकि वो दोनों पैसेंजर्स को और ना डरा सके, लेकिन उनसे गलती से पूरे क्रूज का बिजली का वायर कट हो जाता है। फिर पूरे क्रूज में अंधेरा हो जाता है और इसी तरह सुबह होने लगती है। फिर आगे हम देखते हैं क्रूज पे कुछ लुटेरों का हमला होता है। सामने से आती हुई एक बोट से क्रूज पे एक हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है। फिर वो लुटेरे क्रूज के अंदर हमला करके बहुत सारे पैसेंजर्स को मार देते हैं और फिर क्रूज में एक ब्लास्ट होता है। फिर कुछ घंटों बाद हम देखते हैं क्रूज के कुछ लोग पास के एक आइलैंड पे होते हैं। अब ये लोग इस आइलैंड पे फंस चुके होते हैं। रात को आइलैंड पे बारिश होती है और ये सब एक छोटे से बोट में किसी भी तरह से एक साथ गुजारा करते हैं। तभी वहाँ पे एक एनिमल की आवाज सुनाई देती है, सब लोग डर जाते हैं। फिर उस एनिमल से बचने के लिए वो लोग फ्लेयर गन से जमीन पे एक शूट करते हैं। फिर वहाँ एनिमल की आवाज आना बंद हो जाता है। फिर सुबह होती है और हम देखते हैं कि आइलैंड पे एक बोट आके रुकी है। सब लोग भाग के उस बोट के पास जाते हैं और उस बोट के अंदर एविगेल होती है, वो लेडी जो क्रूज में एक टॉयलेट मैनेजर थी। सब लोग उस बोट में नॉक करते हैं। तभी एविगेल बोट का विंडो खोलती है और पॉला एविगेल से बोट के अंदर जो खाने पीने का सामान है उन सबको बाहर निकालने को बोलती है और फिर एविगेल सारा सामान निकाल के उन्हें दे देती है। फिर वो लोग वो सब मिल बांट के खाने लगते हैं। उस वक्त हम देखते हैं एविगेल समुन्दर से एक ऑक्टोपस पकड़ती है और रात को डिनर के लिए उसे पकाया जाता है। पॉला उस ऑक्टोपस को सबको सर्व करने जाती है। तभी एविगेल उसे रोक देती है और वो अपने लिए ज्यादा रख के सबके लिए एक एक पीस देती है। पॉला को ये बात बुरी लगती है। वो जब एविगेल से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तभी एविगेल कहती है इसे मैंने पकड़ा है, मैंने ही आग जलाई है और इसे मैंने ही पकाया है, इसीलिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। इस पे पॉला कहती है हम सबने भी इसमें मदद की है। फिर एविगेल पूछती है कि तुमने क्या किया है। पॉला कहती है हमने आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की है। एविगेल कहती है ये काफी नहीं है। इस पे पॉला कहती है हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमें और ज्यादा काम नहीं आता। एविगेल कहती है एग्जैक्टली, और इसीलिए तुम लोग यहाँ मुझ पे डिपेंडेंट हो। फिर पॉला कहती है एविगेल शायद तुम भूल रही हो, पहले तुम क्रूज में एक टॉयलेट क्लीनर हुआ करती थी, मैंने ही तुम्हें अपॉइंट करके टॉयलेट मैनेजर बनाया है। इस पे एविगेल कहती है मैं टॉयलेट मैनेजर उस क्रूज में थी, यहाँ मैं कैप्टन हूँ। अब एविगेल खड़ी होके एक एक करके सबसे पूछती है मैं कौन हूँ, और फिर एक एक करके सब लोग जवाब देते हैं कैप्टन। फिर एविगेल सबको एक एक टुकड़ा खाने को देती है। इसके बाद वो रशियन आदमी डिमिट्री सबसे कहता है हमें अब एक ग्रुप बना लेना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। तभी एविगेल कहती है मुझे ये बात मंजूर है और इस सिचुएशन पे मेरा सजेशन ये है कि बॉयज बाहर आग के पास रहेंगे और इस मैडम की देखभाल करेंगे। और पॉला और याया को कहती है तुम दोनों बोट के अंदर मेरे साथ सोगी। फिर पॉला और याया एविगेल के साथ बोट के अंदर सोने जाती है। डिमिट्री और जोरमा बाहर से एविगेल को अपनी महंगी घड़ियां दिखाने लगते हैं ताकि उन्हें भी बोट में सोने को जगह मिले, लेकिन एविगेल उन्हें अंदर सोने नहीं देती और उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये सब लोग इतने हेल्पलेस हो गए हैं, इन सबको यहाँ एविगेल की सारी बातें माननी पड़ती है। फिर हम देखते हैं रात को कर्ल नेल्सन और वो जर्मन लेडी ये तीनों मिलकर एविगेल के बैग से कैंडी स्टिक्स निकाल के खा लेते हैं। इस बात पे अगले दिन सुबह एविगेल उनसे कहती है अब से मैं तुम लोगों के लिए और फिश नहीं पकड़ूंगी, अपना खाना खुद ढूंढो। ये कह के वो जब वहां से चली जाती है तब याया कार्ल से कहती है अपना हाथ नीचे रखो, तुम्हारी वजह से सबको प्रॉब्लम होगी। याया ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि यहाँ किसी को भी फिश पकड़ना नहीं आता, सिर्फ एविगेल को ही फिश पकड़ना आता है, सबको एविगेल पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं रात को सब लोग डिनर कर रहे होते हैं लेकिन कर्ल नेल्सन और उस जर्मन लेडी को खाना नहीं मिलता। तभी याया देखती है कर्ल और एविगेल दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। याया को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहां से उठ के चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एविगेल कर्ल को अपने साथ बोट में सोने को कहती है और फिर कर्ल भी मजबूरी में राजी हो जाता है।
फिर हम देखते हैं याया कर्ल पे बहुत गुस्सा होने लगती है। वो कर्ल से कहती है कि तुम सेल्फिश हो। इस पे कर्ल याया को समझाता है कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, इसके बदले में ही उसे कैंडी स्टिक्स मिले। अब याया कहती है अपनी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश मत करना और उसके साथ इंटीमेट मत होना, किस भी मत करना। कर्ल कहता है मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगा। अब एविगल कर्ल को बार बार विशल बजा के बुला रही होती है और कर्ल तभी दौड़ के बोट में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कर्ल को रोज रात को बोट में एविगल के पास जाना पड़ता है और इसके बदले में एविगल उसे खाना देती है और इस बात के लिए वहाँ के बाकी सब लोग कर्ल पे हंसते हैं। डिमिट्री, जोड़मा और नेल्सन विशल बजा के कर्ल का मजाक उड़ाते हैं और फिर एक दिन कर्ल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनसे विशल छीन लेता है। फिर कहानी में आगे हम देखते हैं सब लोग जंगल में एक डोंकी का शिकार करते हैं और उस दिन रात को सबको भरपेट खाना मिलता है। इस खुशी में सब लोग पार्टी करते हैं, लेकिन जोड़मा को आज पहली बार किसी एनिमल का शिकार करके अच्छा नहीं लगता है। वो सबके सामने इस बात के लिए अपना दुख जाहिर करता है। फिर कर्ल और एविगल दोनों बोट में इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी कर्ल एविगल से याया के साथ ब्रेकअप कर लेने की बातें करता है और इस पे एविगल कहती है ये तुम्हारा डिसीशन है, तुम दोनों के बीच में मुझे मत लाओ। फिर अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं याया आके बोट में नॉक करती है। कर्ल बोट का विंडो खोलते ही याया कहती है मुझे अंदर से एक बैग चाहिए। फिर एविगल याया से पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। याया कहती है मैं पहाड़ पे यहाँ से वापस जाने का रास्ता ढूंढने जा रही हूँ। अब एविगल कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। याया कहती है मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फिर एविगल कहती है फिर भी ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और फिर याया और एविगल दोनों एक साथ एक बैग लेके पहाड़ पर जाते हैं। इसी बीच हम देख पाते हैं उस आइलैंड पे एक हॉकर कुछ सामान बेचने आता है और वो जर्मन लेडी उसे मदद के लिए बुलाती है। वो सेलर उस जर्मन लेडी को अपना सामान दिखाने की कोशिश करता है, तभी वो लेडी उसका हाथ पकड़ के खींचने लगती है और वो सेलर इस बात से घबरा के वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो लेडी उस बोट से उठने के लिए उससे मदद मांग रही थी, क्योंकि इतने दिन उस आइलैंड पे गुजारने के बाद एक हॉकर को वहाँ आते देख के उसे लगा के यहाँ आसपास इंसान रहते होंगे और ये लड़का उसे वहाँ पहुँचा सकता है। फिर आखिर में हम देखते हैं याया और एविगल बहुत समय तक पहाड़ में घूमते रहते हैं। बाद में याया को वहाँ एक लग्जरियस रिसोर्ट दिखाई देता है। इस बात से याया और एविगल दोनों बहुत खुश होते हैं। अब याया रिसोर्ट के अंदर जाने लगती है, तभी एविगल उसे कुछ देर वहाँ पे बैठ के उस मोमेंट को एंजॉय करने को कहती है और याया एविगल के पास आके बैठ जाती है। फिर एविगल कहती है तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं जाके सबको बुला के लाती हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं एविगल पीछे जाके एक पत्थर उठा के याया को मारने जाती है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि एविगल नहीं चाहती कि कोई भी इस आइलैंड से वापस जा सके। दरअसल यहाँ से वापस जाके एविगल को फिर से टॉयलेट मैनेजर का काम करना पड़ेगा, लेकिन इस आइलैंड पे वो सबकी कैप्टन है, सब लोग उसका कहना मानते हैं। और फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कर्ल भागते हुए उसी जगह पे आने लगता है जहाँ याया और एविगल आए हैं। अब इस कहानी में हम ये देख पाते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं कुछ वक्त के लिए अगर उनकी अमीरी छिन जाए तो इस दुनिया में उनके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।